भारतीय जनता पार्टी बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने हर राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा झारखंड विस चुनाव प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ उपस्थित थे। संकल्प पत्र में भाजपा ने सत्ता में वापसी के बाद अगले 5 साल की सरकार में किए जाने वाले विकास कार्यों को समाहित किया है। इसमें राज्य भर के लोगों के सुझावों को भी समाहित किया गया है। संकल्प पत्र में उन एजेंडों को शामिल किया गया है जिस पर आगे की सरकार काम करेगी। भाजपा ने संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस रखा है। इसके साथ ही सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों की भी चिंता की गई है। गरीबी मिटाना, 70 नए मॉडल स्कूलों की स्थापना, राष्ट्रीय जनजाति संस्थान की स्थापना, आदिवासी समुदाय को समृद्ध बनाना और किसान कल्याण को भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने संकल्प किया था कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बंद करेंगे और हमने अपनी सरकार में इसे बंद कर दिया। हमारी सरकार ने बालिकाओं का जीवन सुंदर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की। सीएम ने कहा, भाजपा सरकार किसानों के सम्यक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार के कारण जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए और हमारी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक 25,000 रुपए सरकार दे रही है। हमारी सरकार का संकल्प था आदिवासी युवक युवतियों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।